उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अलग अलग समीक्षा बैठक हो रही है। परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने चारधाम को लेकर परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में परिवहन से जुड़े अधिकारी और निजी परिवहन व्यवसायी मौजूद रहे। चंद्र रामदास ने कहा कि बैठक में सुनिश्चित किया गया है कि चारधाम यात्रा बेहतर रूप से चल सके, इसके लिए हमने बैठक भी की। अगर हरिद्वार जिले से हम पौड़ी में जा रहे हैं, हम टिहरी जा रहे हैं, हम चमोली जा रहे हैं, उत्तरकाशी जा रहे हैं, तो जिलों को भी हमको कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम हरिद्वार से गाड़ियां छोड़ रहे हैं, अगर यहीं से जाम की स्थिति हो जाएगी तो आगे बढ़ने वाली है। इसलिए जो हमारा विभाग है, परिवहन विभाग के साथ साथ हम लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हम अपने कलेक्टर्स को, SSP और पूरे अन्य विभागों को भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम चारधाम यात्रा चलाएंगे। साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम तरीके के मंथन यहाँ पर किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है और लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि इस बार की जो यात्रा है उसे सुगम बनाया जाए और जो यात्री हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसी को लेकर मंथन भी किया गया, ये बैठक भी हुई है, क्या कुछ जानकारी? साहिल, अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो मई माह 3 तारीख से चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और बेहद रीढ़ की हड्डी से माना जाता है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आवाम हैं, उनकी कहीं ना कहीं आजीविका है चारधाम यात्रा से जुड़ी होती है। खासतौर पर हम 3 जिलों की बात करें, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग जो आधारित हैं वो चारधाम यात्रा से आधारित हैं। ऐसे में जो लोगों की आजीविका है वो चारधाम यात्रा पर है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अन्य जगहों के भी लोग यहाँ पे अपने रोजगार के लिए आते हैं और यही वजह है कि लोग, चाहे वो ट्रैवल ट्रैकर हों या फिर किसी भी क्षेत्र के लोग हों, व्यवसायिक क्षेत्र के लोग हों, तो वो इस चारधाम यात्रा से जुड़े होते हैं। इस ऐसे में लगातार समीक्षा बैठक चारधाम यात्रा को लेकर के की जा रही है। यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको लेकर लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री की अगर बात करें, सतपाल महाराज भी लगातार बैठक ले रहे हैं। वहीं हम बात करें परिवहन मंत्री चंद्र रामदास से, उन्होंने भी बैठक की है और बैठक में समीक्षा किया है कि जिस तरह से रोडवेज को लेकर के उन्होंने कहा है, रोडवेज के साथ साथ हम वो अन्य वाहन भी चारधाम यात्रा में लगाएंगे। यही नहीं बल्कि गढ़वाल विकास निगम की बसें तो लगेंगी, इसके साथ ही GMO की बसें भी लगें, GMO और KMO की भी बसें यहाँ पे संचालित की जाएंगी। और जो लोग हैं, जिस तरह से जो लोग हैं, चाहे वो पर्यटन से जुड़े लोग हों, खासतौर पर हम बात करें परिवहन से सचिव जो लोग हैं वो लोग भी इस बैठक में शामिल थे। टैक्सी चालक इस लोग इस बैठक में शामिल थे, रोडवेज के जो लोग हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। लोगों ने अपनी अपनी राय जो मंत्री हैं उनको दी है और उन्होंने कहा कि अब सबसे ज़्यादा जो संकट इस समय है चारधाम यात्रा को लेकर के वो किराया को लेकर के हैं। अब किराया इस बार उन बढ़ाए जाने की भी उन लोगों ने मांग रखी है, लेकिन हालांकि उसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि कितना किराया भी बढ़ेगा, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो इस बार भी महंगी होगी क्योंकि जिस तरह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो किराया है, रोडवेज हो या फिर GMO हो या KMO हो, यहाँ पर भी किराया बढ़ता है। यही नहीं बल्कि टैक्सीमेट्री भी इस पूरी यात्रा में अपनी भूमिका निभाती है, तो यहाँ पर भी हमको किराया बढ़ता हुआ दिखेगा और लोगों को जो है किराया बढ़ने से लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें जरूर होंगी। लेकिन बहरहाल इस समय चारधाम यात्रा को लेकर के किस तरह से संचालित की जाए, बसों को लेकर के, टैक्सी को लेकर, टैक्सीमैक्सी को लेकर के, या गढ़वाल या कुमाऊँ हो, इस बार बड़ी बात यह है कि कुमाऊँ की भी जो बसें हैं वो इस बार चारधाम यात्रा में आपको दिखेंगी और जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत इस बार देने के लिए सरकार पहल कर रही है, प्रयास कर रही है और यही वजह है कि लगातार जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हरीश, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा का अपना एक अलग महत्व है उत्तराखंड में और जिस तरीके से 2 साल से चारधाम यात्रा अविरुद्ध थी और अब एक बार फिर से इसे पुनः शुरू कर दिया गया है, तो इस बार ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि हर बार की तरह इस बार जो यात्री हैं वो भारी संख्या में पहुँचेंगे चारधाम यात्रा के लिए और तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर की जा रही हैं और बैठकें भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं। परिवहन मंत्री ने जिस तरीके से बैठक ली, तमाम अधिकारी जो परिवहन से जुड़े हुए थे वो इस बैठक में शामिल हुए, सभी ने अपने सुझाव भी दिए
क्या कोई नई रणनीति यहाँ पर बनाई गई है या नई कार्यप्रणाली के तहत इस बार किसी तरह का कोई काम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको तो सुदृढ़ यहाँ पर किया ही जा रहा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि जो यात्रियाँ आएँ उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। व्यवसाय के नज़रिए से अगर बात की जाए तो व्यवसायियों में भी खुशी देखने को मिल रही है, उनके लिहाज से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए हैं इस बार? कहें तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उस समय हुआ था और उसके बाद जो पुनर्निर्माण के जो कार्य हुए थे वो बेहद महत्वपूर्ण हुए थे और उसके बाद लगातार जिस तरह से यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ और खासतौर पर हम इन दो वर्षों की बात करें, इससे पूर्व दो वर्ष जो कोविड काल में चले गए थे और उस समय लगातार जो यात्री हैं वो पहुँच नहीं पाए, चाहे वो चारों धाम हों या हेमकुंड साहिब हो, कहीं भी कोई यात्री नहीं पहुंच पाया था। और इस बार जो सरकार की मंशा है कि यात्रा को भव्य तरीके से करना और तमाम जो धाम हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को जो यात्री हैं जो श्रद्धालु हैं उनको सारी सुविधाएं वहां पर पहुंचाना, चाहे वो पैदल की हो या यात्री से आने जाने की सुविधा हो या होटल हो रेंटल चले हों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इस बार जो कुमाऊं निगम की बसें थी इस बार यात्रा में चलेंगी और कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम आज की अगर बुकिंग की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर चार दिन यात्रा के लिए हेली सेवा भी उपलब्ध की गई है और इसके साथ ही जो बुकिंग है वो लगातार की जा रही है, चार धाम यात्रा की जो हेली सेवा है उनकी बुकिंग यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ पर्यटन विभाग की अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें या फिर हम होटल्स की बात करें तो वहाँ पर भी बुकिंग लगातार की जा रही है, पर्यटन विभाग की तरफ से या परिवहन विभाग की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसके साथ ही लगातार बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं, चाहे वो PWD हो या फिर अन्य विभाग हों जो निर्माण कार्य संस्था हैं वो लगातार सड़क को लेकर के भी काम कर रहे हैं। सड़कों का इस समय हम बात करें तो दोनों जगह चाहे वो बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ हो बेहद खूबसूरत यहाँ पर सड़कें बन गई हैं, ऐसे में जो लोग यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई रखना हो इसके लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार यही समीक्षा यहाँ पे की जा रही है कि 3 मई से पहले जो कार्य हैं वो पूर्ण किए जाए और लगातार जो यहाँ पे जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि इस बार अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी जिम्मेदारी इस बार सरकार को होगी कि वो चाहे वो चारधाम की हम बात करें चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री या यमुनोत्री की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई जाए। पेयजल की हमने जहाँ तक देखा है कि लगातार अब चाहे वो बद्रीनाथ में हो वहाँ पे भी इस समय कार्य चल रहे हैं, क्योंकि बर्फ हटाए जाने की वहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है कि ताकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचाएं। विलांग बैंड से लगातार जो बर्फबारी रहती है उसको हटाए जाने की कवायद शुरू की गई है जिला अधिकारी की तरफ से और जो जिले की जो टीम है एक नोडल अधिकारी के रूप में SDM यहाँ पे रहते हैं और पूरी जो टीम है उसके साथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो बहुत कम समय अब बच गया है चारधाम का, चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद अच्छे रूप में देने की कोशिश सरकार कर रही है। चलिए आ रही है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र TV ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।